तो क्लास शुरू करते हैं। तो अभी तक हमने लास्ट क्लास में इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पढ़ा। इंडक्टिव इफेक्ट होता है कि भाई जो सिग्मा बॉन्ड होता है, सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड, उसमें जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाला कार्बन या फिर ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाला कोई ग्रुप या ग्रुप ऑफ एटम्स अपनी ओर खींच लेते हैं, तो उस ग्रुप का वो जो इफेक्ट होता है उसको इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। इसमें इंडक्टिव इफेक्ट में दोनों तरह के हो सकते हैं, प्लस आई भी हो सकता है, माइनस आई भी हो सकता है। प्लस आई इफेक्ट को क्या है, जिस एटम जो एटम प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है वो अपने से इलेक्ट्रॉन दूर भेजता है। जैसे एल्किल ग्रुप जो होते हैं वो प्लस आई इफेक्ट लगाते हैं तो अपन से खुद से इलेक्ट्रॉनों को दूर भेजते हैं, और जो माइनस आई इफेक्ट होता है उसमें कोई ग्रुप उस हाइड्रोकार्बन की चेन से अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचता है। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, CuH हो गया, NO2 हो गया, ये सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। दो तरह के होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो ये प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट पड़ा। प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट का अलग अलग जगह ऑर्गेनिक रिएक्शंस में बार बार जगह होता रहता है, अलग जगह काम में आती है, अलग अलग चीजों का एक्सप्लेन करती है। अभी नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है रेजोनेंस स्ट्रक्चर और रेजोनेंस इफेक्ट, प्लस आर इफेक्ट माइनस आर इफेक्ट, उसके बारे में बोलते हैं। तो सबसे पहले रेजोनेंस इफेक्ट को समझने से पहले हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के बारे में जानेंगे। तो लेट्स टेक फर्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स क्या होती है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, हिंदी में बोलते हैं इसको अनुनादी संरचनाएं, अनुनादी संरचनाएं। ठीक है, हम सभी लोग जानते हैं कि भाई बेंजीन की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, सब लोग जानते हो ना, ऐसे होता है, एक हेक्सागन होता है। ठीक है, इस हेक्सागन में एक डबल, फिर सिंगल, फिर डबल और फिर सिंगल, इस तरह से स्ट्रक्चर होती है ना बेंजीन की। अपन समझते हैं कि भाई रेजोनेंस स्ट्रक्चर होती क्या है, अनुनादी संरचनाएं होती क्या है। अपन बेंजीन के बारे में ये जानते हैं कि बेंजीन में एक डबल बॉन्ड पाया जाता है, एक सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, ऐसे होता है। अब एक्सपेरिमेंट से ऐसा पता चलता है कि कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड होता है और कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, इसका जो बॉन्ड लेंथ है वो होता है 154 पिकोमीटर। बॉन्ड लेंथ जो होता है, ऐसा एक्सपेरिमेंटली पाया जाता है, ये होता है 154 पिकोमीटर। एक्सपेरिमेंटली हम बात कर रहे हैं, ये कहाँ क्या है, एक्सपेरिमेंटली। एक्सपेरिमेंटली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कितना पाया जाता है, 154 पिकोमीटर पाया जाता है, और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जो है ये अराउंड 138 पिकोमीटर पाया जाता है। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ क्या होती है, कोई दो एटम ने जब बॉन्ड बनाया है तो उनके बीच की लेंथ क्या होती है, बॉन्ड लेंथ होती है। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन क्योंकि छोटा ही होता है, क्योंकि डबल बॉन्ड है ज्यादा, एक में सिग्मा भी और पाई भी है, तो दोनों कार्बन एटम और ज्यादा एक दूसरे के पास में आ जाते हैं। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन लेंथ छोटी कितनी, 138 पिकोमीटर के आसपास पाई जाती है, और कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन कितना होना, कितना होता है, 154 पिकोमीटर होता है। अब इससे क्या होना चाहिए, जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो एक्सपेरिमेंटली ये एक्सपेक्ट किया गया कि भाई बेंजीन है, तो बेंजीन में हमें जो कार्बन और कार्बन के बीच की बॉन्ड लेंथ है वो दो तरह की मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि बेंजीन के अंदर सिंगल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है, दोनों है। तो इट वॉज एक्सपेक्टेड इन बेंजीन, इट वॉज एक्सपेक्टेड इन बेंजीन इट वॉज एक्सपेक्टेड, ये इसको हिलाना मत, इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट बेंजीन विल हैव टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो बेंजीन में दो तरह की बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए, ये एक्सपेक्ट किया गया था। एक तो आएगी 138 पिकोमीटर और एक 154 पिकोमीटर। लेकिन एक्सपेरिमेंटली जब देखा गया तो ये बॉन्ड लेंथ केवल एक ही मिली थी, दो तरह की नहीं मिली थी, और उसकी जो वैल्यू है इन दोनों के कोई बीच में मिली थी। ठीक है, ये हमें उतनी नहीं मिली जितना एक्सपेक्ट किया गया था, और हमें जो मिला बॉन्ड लेंथ वो इन दोनों के बीच का कोई वैल्यू मिला। बट एक्सपेरिमेंटली मेंटली
बॉन्ड लेंथ बिटवीन, बॉन्ड लेंथ बिटवीन ऑल द कार्बन, ऑल द कार्बन्स कार्बन्स वर वॉज फाउंड टू बी इक्वल, वॉज फाउंड टू बी इक्वल. तो जितने भी कार्बन कार्बन थे बेंजीन के, उन सब में एक्सपेरिमेंटली क्या मिला था कि बॉन्ड लेंथ इक्वल है. अब सोच में पड़ गए वैज्ञानिक, भाई ये बॉन्ड लेंथ इक्वल क्यों आई है, हमने तो भाई स्ट्रक्चर दी है एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड डबल सिंगल ऐसा कुछ है, तो यहाँ पे ये सेम कैसे आ सकती है. तो किसी ने क्या बोला कि देखो भाई ये यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसके पास आ जाए तो, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाए तो, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाए तो उससे जो नया बेंजीन बनेगा, बेंजीन जो नया बनेगा उसकी स्ट्रक्चर लगभग पहले जैसी होगी, लेकिन कुछ एक चीजें उसमें अलग हो जाएगी. जैसे ये जो नया बेंजीन का स्ट्रक्चर होगा इसमें क्या होगा, देखो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चल के आ गए तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चल के आ गए तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा ना. बताओ आई बात समझ में. पहले तो क्या था, 1, 2, 3, 4, 5 और 6. पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6 वहां पे डबल बॉन्ड था, लेकिन अब क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6. अब देखो 2, 3, 4, 5, 6, 1 इनके बीच में डबल बॉन्ड हो गया. तो ये दोनों स्ट्रक्चर क्या आइडेंटिकल नहीं है, ये बोथ जो है अगर अपन उस हिसाब से देखें तो दोनों क्या है आइडेंटिकली, एक तरह से बोथ आर आइडेंटिकल. दोनों क्या है एक जैसी ही तो है. तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, फिर वापस देखो यही सेम इलेक्ट्रॉन अगर मान लो ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाए, या फिर मैं ऐसा बोलूं कि ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाए और ये यहाँ पे आ जाए और ये यहाँ पे आ जाए, तो क्या स्ट्रक्चर वापस पहले जैसी नहीं हो जाएगी, हो जाएगी ना. अब देखो इसको ऐसे डिनोट करते हैं, जैसे ये वाला जो सिंबल है यहाँ पे एक सिंबल अपन यूज करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है पहले यहाँ से इधर भी गए तो ये स्ट्रक्चर आई, इधर से वापस इलेक्ट्रॉनों ने स्विचिंग की तो वापस क्या मिली, पहले वाली स्ट्रक्चर मिल गई ना. ऐसे तो एक हाइपोथेसिस दिया जाता है रेजोनेंस का इन दोनों स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करने के लिए. रेजोनेंस एक हाइपोथेटिकल घटना होती है. रेजोनेंस क्या होता है कि जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अपनी पोजीशन को स्विच करते रहते हैं, यानी कि 1, 2 बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कभी 1, 6 में, 1, 6 वाले 6, 5 में आ गए, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो बेंजीन रिंग है उसके अंदर अपनी पोजीशन को स्विच करते रहते हैं. तो हम जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमें जो बॉन्ड लेंथ है, मान लो उस टाइम एक्सपेरिमेंट किया तो स्विच किया तो उस टाइम हमें सिंगल बॉन्ड मिल रहा था, सिंगल बॉन्ड ना मिलकर क्या होता है वहां पे डबल बॉन्ड था, लेकिन लेंथ हमें क्या मिली, दोनों के एवरेज लेंथ मिली, ना तो डबल वाली मिली ना सिंगल वाली मिली. यानी कि ये जो सारे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पे स्विचिंग कर रहे हैं, रैपिडली स्विच कर रहे हैं, है ना. इसी घटना को, इसी इवेंट को रेजोनेंस बोला जाता है कि किसी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन रैपिडली जब स्विच करते हैं, हाइपोथेटिकली, ये एक्चुअल में दुनिया में नहीं होता, ऐसा दुनिया में एक्चुअल में नहीं पाया जाता है, और ये हाइपोथेटिकली है जिससे हम जो बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्ड लेंथ होती है, या फिर जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है अलग अलग कंपाउंड्स के, उनको एक्सप्लेन करने के लिए हम यूज करते हैं रेजोनेंस का हाइपोथेसिस. तो ये केवल हाइपोथेटिकल एक विचार है. इसका यूज क्या है, इसका यूज है बेंजीन के अंदर जो हमें बॉन्ड लेंथ मिलनी चाहिए थी डबल, अलग 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 सिंगल की अलग डबल की अलग, वो ना मिलके हमें एक कॉमन बॉन्ड लेंथ मिली, हमें C1, C2, 2, 3, 4, 5 ये जितने भी कार्बन सभी के बीच की बॉन्ड लेंथ क्या मिली, इक्वल मिली. तो इस चीज को एक्सप्लेन किया जाता है रेजोनेंस के फिनोमेना से. तो रेजोनेंस के फिनोमेना को कैसे डिफाइन किया जाता है कि इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या फिर इन कंपाउंड्स इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पाई बॉन्ड स्विचेस देयर इंटरनल पोजीशंस due to this they change their positions rapidly, है ना. वो अपनी इंटरनल जो positions है वो rapidly change करते हैं, तो इस वजह से हमें कोई भी बॉन्ड लेंथ एक सर्टेन बॉन्ड लेंथ हमें नहीं मिलती, ना तो सिंगल वाली मिल रही है ना डबल वाली मिल रही है. तो हमें बॉन्ड लेंथ क्या होती है, ओवरऑल बॉन्ड लेंथ का एवरेज मिलती है,
और जितने भी बॉन्ड्स हैं जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सभी की बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को रेजोनेंस कहते हैं। तो यहाँ पे ये माना जाता है कि जो बेंजीन रिंग है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अलग अलग कार्बन एटम्स के बीच में स्विच कर रहे हैं। तो इसमें क्या माना गया, इट वॉज एज्यूम्ड दैट इलेक्ट्रॉन इन, या फिर पाई इलेक्ट्रॉन है ना, ये कौन से इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इन बेंजीन रिंग स्विचेस देयर पोजिशंस रैपिडली between different carbon atoms atoms due to this no certain bond length कोई सर्टेन बॉन्ड लेंथ मिली नहीं मिली हमें किसमें, सिंगल या फिर डबल की, सिंगल ऑब्लिक डबल की, नो सर्टेन बॉन्ड लेंथ इज ऑब्जर्व्ड। ठीक है, दैट इज ऑल बॉन्ड लेंथ आर ऑब्जर्व इक्वली, दैट इज ऑल बॉन्ड लेंथ आर ऑब्जर्व्ड इक्वली। This hypothetical phenomenon, hypothetical यानी कि काल्पनिक है, actual में exist नहीं करता है। This hypothetical phenomena is called resonance. ठीक है, resonance ये काल्पनिक जो कल्पना है, ये काल्पनिक जो विचार है या काल्पनिक जो आइडिया है, ये क्या कहलाता है, रेजोनेंस कहलाता है, अनुनाद कहलाता है। ये माना गया कि बेंजीन में पाई बंद के इलेक्ट्रॉन अलग अलग कार्बनों के बीच में अपनी स्थितियों को आदान प्रदान करते रहते हैं, इस कारण कोई निश्चित बंध की लंबाई प्राप्त नहीं होती। निश्चित बंध की लंबाई किससे, कि सिंगल बॉन्ड वाली मिल जाए, मान लो 154 या 138, वैसे 138 या फिर 134 भी इसको बोलते हैं, इसका जो लेंथ है आप 134 भी लिख लेना, बोले ये 134 के आसपास होती है, 134 पिकोमीटर या 154 पिकोमीटर, तो ना तो 134 154 ना मिलके कोई बीच का वैल्यू मिल गया। जैसे पंखा है, पंखे की ताड़ियां तीन होती है ना, पर पंखा बहुत तेजी से अगर घूमता है तो हमें ताड़ियां तीन दिखाई देती है, बहुत सारी दिखाई देती है, ऐसे हमें डिस्क जैसा दिखाई देने लगता है। तो ऐसे ही क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसा हाइपोथेटिकली मानते हैं, बहुत रैपिडली जंप कर रहे हैं, तो इस वजह से हमें ना तो डबल दिख रहा है ना सिंगल दिख रहा है, यहाँ पे हमें ताड़ी ना तो दो दिख रही है ना तीन दिख रही है, हमें ताड़ियाँ बहुत दिखती है या फिर हमें डिस्क जैसे दिखने लगता है। तो वैसे ही क्या होता है, बेंजीन में भी ये इलेक्ट्रॉन जो है रैपिडली एक दूसरे में चेंज होते हैं, पोजिशन चेंज करते हैं, तो इस वजह से ना सिंगल ना डबल उनके कोई बीच का बॉन्ड लेंथ हमें मिल जाता है हर एक बॉन्ड के लिए, और सारे क्या बॉन्ड लेंथ हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। ठीक है, हाइपोथेटिकल फिनोमिना को रेजोनेंस बोलते हैं। तो रेजोनेंस में जो मेन पॉइंट्स है वो हमें ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट तो कि रेजोनेंस एक हाइपोथेटिकल फिनोमिना है, इन एक्चुअली देयर इज नो प्रैक्टिकल एविडेंस दैट इट एग्जिस्ट। प्रैक्टिकल एविडेंस आज तक किसी ने देखा कि भाई हम कैमरे से रिकॉर्ड कर ले, अच्छा वो इलेक्ट्रॉन इधर गए, फिर वो इधर गए, फिर वो इधर गए, ऐसा आज तक किसी ने ऑब्जर्व नहीं किया है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट, रेजोनेंस इज ए हाइपोथेटिकल फिनोमिना, रेजोनेंस इज ए हाइपोथेटिकल फिनोमिना, इट हैज नेवर बीन ऑब्जर्व प्रैक्टिकली, इट हैज नेवर बीन ऑब्जर्व प्रैक्टिकली, तो इसको आज तक प्रैक्टिकली ऑब्जर्व नहीं किया गया है, कोई प्रैक्टिकल एविडेंस नहीं है, हाइपोथेटिकल है,
और इस फिनोमिना को हम या फिर इसके एक्सप्लेनेशन को केवल बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड एंगल्स जो होते हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए हम यूज करते हैं। सर माइक मतलब होते हैं, दिखते ही नहीं है क्या माइक्रोस्कोप में? ना, माइक्रोस्कोप वगैरह ऐसा कोई भी नहीं है जहाँ पे अपन को ऐसा दिख रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं दिखता है कहीं पे भी, रेजोनेंस आज तक परसीव नहीं हुआ है। लेकिन इस इसको कंसीडर करते कंसीडर हैं इसलिए किया जाता है कि ये एक्सप्लेन कर रहा है उस ऑब्जर्वेशन को। साइंस में कैसे होता है, साइंस में हम क्या होता है कि पहले एक्सपेरिमेंट करके उस एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन लेके आते हैं, फिर ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेनेशन देते हैं। सर? ऑब्जर्वेशन देखा ही नहीं तो फिर इसको कैसे? ऑब्जर्वेशन ये नहीं देखा कि भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से जम कर रहा है, यहाँ जम कर रहा है, यहाँ जम कर रहा है, ये ऑब्जर्वेशन नहीं देखा। लेकिन ये ऑब्जर्वेशन जरूर देखा कि भाई बेंजीन रिंग में डिफरेंट टाइप की बॉन्ड लेंथ नहीं पाई जाती। ऑब्जर्वेशन तो हमने ये देखा। हमें तो भाई क्रिस्टलोग्राफी आती है, क्रिस्टलोग्राफी एक एक्सपेरिमेंट होता है जिसकी सहायता से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच की बॉन्ड लेंथ का पता लगाया जाता है। हमें तो वो पता है ना? तो हम तो बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हैं। हमने बॉन्ड लेंथ निकाली तो बॉन्ड लेंथ क्या आई ना, तो डबल ना सिंगल, कुछ भी नहीं आई। तो ऐसा इस बात को एक्सप्लेन किससे किया गया, यानी कि जो कहानी का गोल पता चल गया, उस कहानी को डिजाइन कैसे किया गया उस गोल को ध्यान में रखते हुए कि भाई यहाँ रेजोनेंस हो रहा होगा, ऐसा कुछ फिनोमिना हो रहा है जिसमें इलेक्ट्रॉन तेजी से एक दूसरे की पोजिशन को क्या कर रहे हैं, स्विच कर रहे हैं। इसी वजह से हमें जो बॉन्ड लेंथ है वो ना सिंगल डबल ना मिलके एक उनके बीच की कोई इंटरमीडिएट बॉन्ड लेंथ मिल रही है। ठीक है, तो ये इस वजह से लिया गया। आई बात समझ में? ठीक है, हाइपोथेटिकल है, अभी तक ऐसा कोई प्रैक्टिकल एविडेंस इसका नहीं है, परंतु इट इज यूज्ड फॉर एक्सप्लेनिंग मैनी मैनी ऑब्जर्वेशंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत सारे ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन इस फिनोमिना से किया जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर जगह ये बात लागू होती है। इट इज यूज्ड टू एक्सप्लेन मैनी ऑब्जर्वेशंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर इवन जो इनऑर्गेनिक फिजिकल केमिस्ट्री, वहाँ पे भी केमिस्ट्री के बहुत सारे जो फिनोमिनाज होते हैं, ऑब्जर्वेशंस जो होते हैं, जो लेबोरेटरी में ऑब्जर्वेशन मिला उस ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करने के लिए इस फिनोमिना का यूज किया जाता है। आई बात समझ में? तो ये हमें ध्यान में रखना है, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करने में यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट, देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि रेजोनेंस में, जैसे ये रेजोनेंस हुआ तो एक स्ट्रक्चर ये बनी, दूसरी ये बनी ना, तो इन दोनों स्ट्रक्चर्स को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स होती है इनको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बोलते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की रिलेटिव पोजीशन जब एक्सचेंज होती है तो उससे जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मिलती है उनको क्या बोलते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। आई बात समझ में? तो तीसरा पॉइंट रेजोनेंस के बारे में कि द रिलेटिव पोजिशन, द पोजिशंस या फिर द स्ट्रक्चर्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग रिलेटिव पोजिशन द स्ट्रक्चर्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग रिलेटिव पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रेजोनेंस। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के सापेक्ष स्थिति के परिवर्तन से प्राप्त संरचनाओं को अनुनादी संरचनाएं कहते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगर रेजोनेंस जब पाया जाता है तो जो बॉन्ड पैरामीटर्स होते हैं, बॉन्ड पैरामीटर्स की जो एवरेज वैल्यूज है वो ऑब्जर्व होती है। बॉन्ड पैरामीटर्स में क्या आ गया, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, है ना, बॉन्ड एंथैल्पी, है ना, बॉन्ड एंथैल्पी यानी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो रिक्वायर्ड होती है। हमने केमिकल बॉन्डिंग में ये बॉन्ड पैरामीटर्स पढ़े थे बहुत सारे। तो बॉन्ड पैरामीटर्स जितने भी है उन सब का एवरेज वैल्यू परसीव होता है रेजोनेंस के कारण। तो ड्यू टू रेजोनेंस एवरेज वैल्यूज ऑफ बॉन्ड पैरामीटर्स आर परसीव्ड। ठीक है, ड्यू टू रेजोनेंस एवरेज वैल्यूज ऑफ बॉन्ड पैरामीटर्स
values of bond parameters are observed. ठीक है, जो बॉन्ड पैरामीटर्स हैं उनकी क्या मिलती है हमें, एवरेज वैल्यू मिलती है. जैसे 134 पिकोमीटर 154 पिकोमीटर ना मिलके कोई बीच का 145 144 143 ऐसे मिल जाएगा एवरेज वैल्यू. ठीक है, या फिर एवरेज एंगल या एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी. ओके, तो ये रेजोनेंस में होता है. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती है उनको कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं. एक पॉइंट हमें ये भी ध्यान रखना है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर आल्सो कॉल्ड कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स. कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं इनको, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर आल्सो कॉल्ड कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स. इनको कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं, ये नाम है, हिंदी में भी कैनोनिकल ही बोलते हैं. तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, जब भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर एक फॉर्म होती है, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ स्विच किए, तो इससे जब इलेक्ट्रॉनों की स्विचिंग होती है तो हर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब फॉर्म होती है तो उससे कुछ एनर्जी रिलीज होती है. इस एनर्जी को रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं, रेजोनेटिंग एनर्जी बोलते हैं. जब भी कोई एक नई स्ट्रक्चर बनती है, फॉर्म होती है, जैसे एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर में गया, तो उस स्ट्रक्चर के बीच में एक एनर्जी रिलीज होती है. इस एनर्जी को क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग एनर्जी बोलते हैं. ठीक है, बाय चेंज फ्रॉम वन स्ट्रक्चर टू अनदर बाय चेंज फ्रॉम वन स्ट्रक्चर टू अनदर एनर्जी इज रिलीज्ड. ठीक है, दिस एनर्जी इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, रेजोनेंस एनर्जी. जब एक संरचना से दूसरी संरचना में परिवर्तन होता है तो इस प्रक्रिया में ऊर्जा रिलीज होती है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है. इस ऊर्जा को अनुनाद ऊर्जा कहते हैं. अब देखो, दुनिया में कोई भी जो सिस्टम है, जब उससे एनर्जी रिलीज होती है तो उस सिस्टम की ओवरऑल एनर्जी कम हो जाती है, और जितनी एनर्जी कम होती है किसी भी सिस्टम की, उस सिस्टम की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा बढ़ती है. ये इस यूनिवर्स का रूल है. सर, अब उसको जो उठाना है, उसको एनर्जी वापस चाहिए तब, एनर्जी वापस चाहिए तब, जैसे उसकी रेजोनेंस एनर्जी रिलीज हो गई एनर्जी, तो उसको वापस ऐड करनी तब, वापस ऐड करनी है तो आसपास जो भी कोई सोर्स होगा उससे ले लेगा एनर्जी. लेकिन रेजोनेंस जब हो रहा है तो उस प्रक्रिया में क्या हो रही है, एनर्जी रिलीज होती है, और ये हमें ध्यान में रखना है. ठीक है, इस दुनिया में जब भी कोई सिस्टम की एनर्जी रिलीज होती है तो उस सिस्टम की जो ओवरऑल एनर्जी वो कम हो जाती है, ओवरऑल एनर्जी कम आती है तो लेस एनर्जी लीड्स टू हायर स्टेबिलिटी. जैसे घर में बच्चा है, तो बच्चा अगर उसके पास ज़्यादा एनर्जी है तो वो क्या करेगा, कभी पलंग पे कूदेगा, कभी सोफे पे कूदेगा, कभी ये तोड़ेगा वो तोड़ेगा, लेकिन उसकी एनर्जी जब डाउन हो जाती है शाम होते होते तो सीधा जाके सो जाता है. तो लेस एनर्जी मींस हाई स्टेबिलिटी, लेस एनर्जी मींस हाई स्टेबिलिटी, हमेशा पॉइंट ध्यान में रखना. लेस एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, लीड्स टू हाई स्टेबिलिटी. ठीक है, कोई सिस्टम की कम एनर्जी है तो उसे हमें क्या मिलती है, हाई स्टेबिलिटी मिलती है, ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती है. इन सेम वे इन रेजोनेंस ऑल्सो, वेन स्ट्रक्चर चेंजेस टू अनदर, रिलीज्ड एनर्जी रिलीजेस ड्यू टू दिस, ओवरऑल एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीजेस. इन सेम वे इन रेजोनेंस
energy is released which leads to overall reduction of energy of a compound. Due to this, stability of a compound increases. तो इस वजह से एक कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो जब भी किसी कंपाउंड में रेजोनेंस होगा तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। अब क्यों बढ़ेगी, इसका कारण क्या है कि भाई रेजोनेंस जब होता है तो रेजोनेंस एक स्ट्रक्चर से जब दूसरे स्ट्रक्चर में परिवर्तन होता है, चेंज होता है, तो उस प्रक्रिया में रेजोनेंस एनर्जी रिलीज होती है। और जब भी किसी सिस्टम की एनर्जी रिलीज होती है तो उस सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो इस सेम वे में जो रेजोनेंस अगर किसी में पाया जाता है तो उस सिस्टम की ओवरऑल एनर्जी डिक्रीज होगी, यानी कि वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। आई बात समझ में? तो रेजोनेंस होने का मुख्य कारण क्या है, मेन कॉज ऑफ रेजोनेंस इज टू स्टेबलाइज द मॉलिक्यूल। आई बात समझ में? तो रेजोनेंस का जो मेन कॉज ऑफ रेजोनेंस इज टू स्टेबलाइज ए मॉलिक्यूल, ठीक है, किसी मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करना ही मेन पर्पस होता है रेजोनेंस का। अब नेक्स्ट देखो और पॉइंट, रेजोनेंस के बारे में बहुत सारी मैं अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूं, एक पॉइंट और ले लो। देखो एक मान लो एक स्ट्रक्चर से दूसरी स्ट्रक्चर में गए तो एनर्जी रिलीज हुई, फिर दूसरी से तीसरी में गए एनर्जी रिलीज हुई, तीसरी चौथी को एनर्जी, तो जितनी ज्यादा नंबर ऑफ रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर बनेगी किसी भी कंपाउंड की तो उतनी ही ज्यादा क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी ना। यानी कि कोई अगर कंपाउंड ऐसा है जिसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज्यादा बन रही है तो उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लीड्स टू, जैसे अभी बेंजीन वाले केस में तो दो ही थी ना, मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा जिसमें ज्यादा भी हो सकती है, दो तीन चार पांच हो सकती है। तो मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल लीड्स टू मोर रिलीज ऑफ रेजोनेंस एनर्जी, सो दैट कॉजेज मोर स्टेबिलिटी। आई बात समझ में है? तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर लीड्स टू मोर रिलीज ऑफ रेजोनेंस एनर्जी विच कॉजेस मोर स्टेबिलिटी, ठीक है। तो उस वजह से स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी, अगर किसी एक कंपाउंड की ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रही है तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, है ना। तो स्टेबिलिटी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ऐसा लिख सकते हैं ना, ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। जितनी ज्यादा नंबर ऑफ रेजोनेंसिंग स्ट्रक्चर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगी। आई बात समझ में? जैसे और मैं रेजोनेंस का एग्जाम्पल देता हूं, जैसे बेंजीन में रेजोनेंस हो रहा है ना, इसके अलावा भी दूसरे और कई सारे कंपाउंड होते हैं जिसमें रेजोनेंस होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे रेजोनेंस इन NO2 कंपाउंड, जैसे CH3NO2 है ना, तो इस NO2 में जो नाइट्रो कंपाउंड है इसमें भी रेजोनेंस होता है, ठीक है। यह है नाइट्रोमेथेन, रेजोनेंस इन नाइट्रोमेथेन। तो देखो नाइट्रोमेथेन में कैसे हो सकता है, ये CH3NO2 है,
CH3NO2 में इसकी स्ट्रक्चर एक्चुअल में ऐसे क्या होती है, देखो CH3 है, ये N है, एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ तो डबल बॉन्ड बनाता है और दूसरे ऑक्सीजन के साथ एक डेटिव बॉन्ड बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड नहीं होता, इसको डेटिव बॉन्ड बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। अब ये डेटिव बॉन्ड क्या होता है, इसमें इस बॉन्ड के फॉर्मेशन में जो इलेक्ट्रॉन का खर्चा हुआ है वो किसने दिए, नाइट्रोजन नहीं दिए, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अब इस डेटिव बॉन्ड को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, यानी कि नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, ऑक्सीजन ने लिए हैं, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है CH3N। तो नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिए तो नाइट्रोजन पे तो क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के साथ ये डबल बॉन्ड बना लिया, और इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो इस ऑक्सीजन के पास क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये हो गया, ठीक है। अब ये नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अब देखो ये जो फॉर्मेशन हुआ है, इस फॉर्मेशन में भी जब हम बॉन्ड लेंथ निकालने बैठेंगे किसकी, नाइट्रोजन ऑक्सीजन की, तो हमें भी दो तरह की बॉन्ड लेंथ मिलनी चाहिए ना, तो दो तरह की बॉन्ड लेंथ ना मिलके एक सिंगल तरह की बॉन्ड लेंथ भी यहाँ पे भी मिलती है। तो यहाँ पे देखो रेजोनेंस कैसे आ जाएगा, ये जो नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आते हैं और ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन जो हैं, जो पाई इलेक्ट्रॉन, इस पे क्या बन जाते हैं, एज ए लोन पेयर बन जाते हैं। ये तो नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज किसमें कन्वर्ट होगा, पाई इलेक्ट्रॉन, और पाई इलेक्ट्रॉन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वापस नेगेटिव चार्ज में। तो इससे देखो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर बनेगी कुछ ऐसी बनेगी, ये हो जाएगा CH3 और ये नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज अभी भी रहा, और इस बार इस ऑक्सीजन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, और इस ऑक्सीजन पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। तो ये नाइट्रो कंपाउंड में, अब देखो वापस जो है यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज आके यहाँ पे पाई बॉन्ड बना लेगा, और ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर लेंगे, तो ये स्ट्रक्चर वापस ऐसी मिल जाएगी। तो NO2 में भी क्या हो गया, रेजोनेंस यहाँ पे देखा जा सकता है, ये है रेजोनेंस इन NO2 कंपाउंड। आई बात समझ में, तो ये NO2 में रेजोनेंस हो गया, इस वजह से ये और ये दोनों क्या मिलेंगे, हमें सेम बॉन्ड लेंथ मिलती है। देखो इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका ये भी होता है, जैसे मैं ये हो गया CH3 और ये हो गया नाइट्रोजन, ये हो गया ऑक्सीजन और ये हो गया ऑक्सीजन, तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे एग्जैक्ट डबल ना बॉन्ड ना होके इसको क्या बोलेंगे, पार्शियल डबल बॉन्ड बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, पार्शियल डबल बॉन्ड, क्योंकि थोड़ा डबल इसके पास में भी, थोड़ा डबल इसके पास में भी है, ना तो ये पूरा सिंगल है ना पूरा डबल है, इन दोनों के बीच का है, तो इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं अपन, पार्शियल डबल बॉन्ड बोल सकते हैं, पार्शियल डबल बॉन्ड इसको बोला जाता है, आंशिक द्विबंध, ठीक है, आंशिक द्विबंध बोला जाता है इसको। जैसे इवन बेंजीन की रिंग में भी अपन ऐसा एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं जिसमें पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर हो, जैसे मैं इस पूरे बेंजीन को ऐसे भी लिख सकता हूं, क्योंकि देखो इसमें भी क्या हो गया, किसी के पास में भी क्या है, कोई ना तो डबल है ना सिंगल है, है ना, तो सिंगल बॉन्ड तो सभी को दे दिए, और सभी को क्या दे दिया मैंने, पार्शियल डबल बॉन्ड दे दिया, ऐसे ऐसे दे सकते हैं ना, पार्शियल डबल बॉन्ड को क्या दिखा देंगे, डैश डैश से दिखा देंगे, ऐसे ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे है ना, बेंजीन को जैसे मैं ऐसे दिखाता हूँ, तो बेंजीन की देखो स्ट्रक्चर जो है, बेंजीन बेंजीन के केस में जो सारे बॉन्ड्स थे उनको या तो पार्शियल डबल दे दिया, पार्शियल सिंगल दे दिया, तो ऐसे मान लो सिंगल तो सभी को दे दिया, अब सबके पास पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा तो इनको ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे अंदर एक ऐसे ऐसे और हो जाएगा ना, पार्शियल डबल बॉन्ड हो गया, ये हर कार्बन पे क्या हो गया, पार्शियल डबल बॉन्ड हो गया, ये हो गया पार्शियल। सर ये तो तब होगा ना जब ना सिंगल और ना डबल, हाँ क्योंकि ना तो एग्जैक्टली सिंगल है ना तो एग्जैक्टली डबल है, इसमें सिंगल भी है डबल भी है, तो इसको क्या बोलिए, पार्शियल डबल बॉन्ड। अब देखो इसी स्ट्रक्चर को आप बहुत जगह ऐसे देखोगे, बेंजीन रिंग को, ये बेंजीन रिंग बना दिया और इस बेंजीन रिंग में एक यहाँ पे ऐसे गोला बना दिया, ऐसे भी स्ट्रक्चर इसको दिखाया जाता है, ये भी बेंजीन है, बेंजीन, ठीक है। तो बेंजीन रिंग के अंदर एक सर्कल बना देते हैं ना, तो इस सर्कल का मतलब क्या है, जो सारे के सारे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो क्या रहे, एक दूसरे पे स्विचिंग कर रहे हैं, दिस इंडिकेट्स रेजोनेंस, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेटिंग रेजोनेंस, ये रेजोनेंस की वजह से ऐसा हो रहा है, रेजोनेंस की वजह से ये वाला जो है ना, ये वाला पार्ट, या तो मैं ऐसे करूं हर जब भी बेंजीन रिंग बनाऊं तो उसके अंदर डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिखाने के लिए, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिखाने के लिए ऐसा कुछ स्ट्रक्चर अंदर बनाया, या फिर इसको एक सर्कल की तरह इंडिकेट कर दिया, तो ये रेजोनेंस की वजह से बेंजीन की रिंग ऐसी भी बनती है। तो आप जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आगे उसमें बहुत जगह पे इस तरह का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा।
आई बात समझ में? तो ये होता है रेजोनेंस, क्लियर है? रेजोनेंस क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि मॉलिक्यूल्स के अंदर जब हम बॉन्ड लेंथ ऑब्जर्व करते हैं तो हमें मॉलिक्यूल की जो स्ट्रक्चर पता है उस हिसाब से हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि बॉन्ड लेंथ डिफरेंट डिफरेंट आनी चाहिए। जैसे बेंजीन का एग्जांपल लिया तो बेंजीन में बॉन्ड लेंथ या तो डबल की आनी चाहिए, सिंगल की आनी चाहिए, 134 पिकोमीटर या फिर 154 पिकोमीटर आनी चाहिए। पर जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो हमें डबल डबल दो तरह की बॉन्ड लेंथ ना मिलकर एक सिंगल तरह की बॉन्ड लेंथ मिली। तो सवाल उठा भाई इसको एक्सप्लेन कैसे किया जाए, आपने तो स्ट्रक्चर दी है कि इसमें डबल भी है सिंगल भी है। तो इस केस में एक हाइपोथेटिकल फेनोमेना दिया गया जिसको अपन रेजोनेंस बोलते हैं। रेजोनेंस क्या होता है कि जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करते रहते हैं, तो इस रैपिडली इंटरचेंज करते रहते हैं, इस फिनोमिना को रेजोनेंस बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा पूछ लेना भाई क्यों होता है, इनके पास क्या मतलब ऐसे क्या आपद आ बढ़ेगी वो ऐसा स्विचिंग कर रहे हैं, क्योंकि स्विचिंग करने से वो एक एनर्जी रिलीज कर रहे हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं, रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। और एनर्जी रिलीज होने से कोई भी सिस्टम क्या होता है, स्टेबलाइज होता है। तो यहाँ पे भी जब रेजोनेंस होता है तो कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेगी, उतनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी तो हर स्ट्रक्चर बनने में एक बार रेजोनेंस एनर्जी रिलीज होती है तो स्टेबिलिटी उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो रेजोनेंस होने का मेन कारण क्या है, स्टेबिलिटी को, किसी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करना। यही बात समझ में? तो किसी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए रेजोनेंस होता है और रेजोनेंस एनर्जी रिलीज होती है। जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होती है उनको कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं। तो ये इतनी बातें हमें ध्यान में रखना है। बॉन्ड पैरामीटर्स एवरेज मिलते हैं और इनको पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स की तरह इस तरह से भी इंडिकेट किया जा सकता है, और जैसे इसको इंडिकेट किया तो इसको ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हैं। तो ये रेजोनेंस के बारे में मेन मेन बातें हमें ध्यान में रखनी है। आई बात समझ में? ठीक है, तो अभी इस क्लास में अपन इतना ही रखेंगे आज।